मैं स्वाति आपके YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष स्वर के बारे में बताना चाहती हूँ कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर स्वर शब्द जो होता है वो हमारे मानव मन को रंजन प्रदान करे अथवा जो दूसरों को कानों को सुनने में अच्छा लगे उसे हम स्वर कहते हैं। हमारे संगीतकारों ने 7 स्वर बताए हैं, सा रे ग म प ध और नी, जिसको हम सडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद कहते हैं। अब सा और पास जो स्वर होते हैं उसको हम अचल स्वर भी कहते हैं। ये अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, जिसमें से रे ग धानी स्वर जो होते हैं जिनको हम चल स्वर भी कहते हैं, इनको ये अपने स्थान से नीचे स्वर की तरफ जाते हैं, इसको हम कोमल स्वर भी कहते हैं। और म अपने स्थान से ऊंचे स्वर की तरफ जाता है जिसको हम तीव्र स्वर भी कहते हैं। ये शुद्ध और कोमल मिला के हमारे 12 स्वर माने गए हैं, जैसे कि सा कोमल रे शुद्ध रे, कोमल गा शुद्ध गा, मा तीव्र मा, पा कोमल धा शुद्ध धा, कोमल नी और शुद्ध नी। ये 12 स्वर हमारे हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और कोमल स्वर मिलाकर बनाए गए हैं। यही 12 स्वर हमारे गायन और वादन में प्रयोग किए जाते हैं। आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।